अस्सलाम वालेकुम। आज हम चटपटे आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं और बिल्कुल अलग इसका टेस्ट आपको लगेगा। तो बहुत कम मसालों के साथ इसे हम तैयार करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजिम देखना है ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए यहाँ पर हमने आधा किलो आलू लिया है, इसे पूरा हमने उबाला नहीं है, हाफ कुक किया हुआ है। और इस तरह के हमने क्यूब कट कर लेना है, थोड़े बड़े बड़े से, जैसे आपको पसंद हो आप अपनी पसंद के हिसाब से क्यूब कट कर लें। तेल हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अच्छी तरह से तेल जब गर्म हो जाए तो आलूओं को इसमें डाल दें। और फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से हमने एक तरफ छोड़ देना है ताकि इस पर एक गोल्डन कलर आ जाए। उसके बाद हमने साइडों को चेंज करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल सके। तो यहाँ पर आलू आप देख सकते हो अच्छे से हल्के गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं। इस तरह हमने हल्का हल्का इसे मिक्स करना है और हर तरफ से इसे फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे ये हल्के ब्राउन आ चुके हैं, उसे हमने निकाल लेना है। और बहुत ही मज़े के बनते इस अफ्तार में आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत अलग से और चटपटे ये आलू आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये सारे आलूओं को हमने इसमें से निकाल दिया तेल में से। अब चलिए जो तेल हमारे पैन में बचा हुआ है इसे हमने अलग कर लेना है। दो बड़े चम्मच हमने इसमें छोड़ दिया है। तेल अभी गर्म है, चूल्हा इस वक्त बंद है। और इसमें हमने शामिल करना है आधा चम्मच कूटा हुआ लहसुन। ये देखिए चूल्हे की फ्लेम बंद है, बस तेल की गर्मी में ही मसाले को शामिल करना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर ताकि चटपटा सा आलू हमारा तैयार हो, और एक चम्मच सोया सॉस, इससे कलर बहुत बेहतरीन आपके आलू पर आ जाएंगे। अच्छी तरह से हमने मसालों को मिक्स करना है बस कुछ सेकंड के लिए ताकि मसाले हमारे कुक हो जाए। तो मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुके हैं। इस पे हमने शामिल करना है दो बड़े चम्मच टमाटर केचप के। अब इसे भी हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब जो आलू हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब से ये आलू, चटपटे आलू तैयार होते, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इंशाल्लाह फिर बार बार आपके घर में यही फरमाइश होगी। नमक आपने डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे तो आप मसालों में भी नमक पहले मिलाकर फिर मसाले के साथ भून सकते हो। तो इसे अच्छे से हमने एक मरतबा मिक्स कर लेना है ताकि पूरे मसाले की कोटिंग हमारे आलूओं पर लग जाए। मसाले अच्छी तरह से आलूओं पर कोट हो चुके हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब इस वक्त हमने एक लेमन जूस इसमें शामिल कर लेंगे और इसको एक मरतबा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त ये आलू बिल्कुल तैयार है। आप ऊपर से अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें तो ये बेहतरीन से चटपटे आलू देखते ही देखते तैयार हो गए, बहुत ही जल्दी बनेंगे। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मज़े के बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट आपको लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।